हेलो बच्चों ने क्वेश्चन द क्वेश्चन से इज अ बाई पेरस साइम एंड इन यूनिपेरस साइम कॉन्स्टिट्यूट वन वट इज लास्ट योर टू क्रानिकल थ्री हाइपनथोडियम फोर साइथियम क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक ऐसी इन्फ्लोरसेंस जिसमें बाई पेरेस साइम एंड होता है इन टू अ यूनिपेरिस साइन इस तरीके की इनफ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं सो so, हमारे पास फोर ऑप्शंस है हम इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है सो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है द अरेजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरलैक्सिस और इन फ्लोरसेंस मेनली होती है दो टाइप की ये दो टाइप क्या होते हैं डीजा साइमोज इन फ्लोरेसेंस एंड रेसीमोज इन फ्लोरिस अगर बात करें साइमोज इन की तो साइमोज इन में क्या होता है इस तरीके के इन फ्लोरेसेंस में फ्लावर प्रेजेंट होता है एट द टर्मिनल पोजिशन ऑफ द एक्सेस फ्लावर एट टर्मिनल पोजिशन तो इस तरीके की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है इसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है एंड ड्रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है जो एक्सेस होती है इट कंटिन्यूज टू ग्रो यानी कि फ्लावर टर्मिनल पोजिशन पर प्रेजेंट नहीं होता है अब साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का एक सब टाइप होता है जिसे हम क्या कहते हैं बाई पेरस साइम बाई पेरस साइम को हम और क्या बोल सकते हैं डेसियल साइन और इस तरीके के इन फ्लोरसेंस में क्या होता है एपिकल फ्लावर के लेवल से नीचे दो ब्रांचेस अराइज होती हैं एंड इन दो ब्रांचेस में फर्दर फ्लावर्स प्रेजेंट होते तो हम क्या लिख सकते हैं टू ब्रांचेस फ्रॉम बिलो द एपिकल

और टू फर्दर ब्रांचेस जिसमें और एपिकल पोजीशन पर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं तो इस तरीके के को हम बोलते हैं साइम साइम या फिर बाई पेरस अब एक ऐसे तरीके की इन फ्लोरसेंस जिसमें साइम प्रेजेंट होता है इनिशियली लेकिन वो लेटर ऑन यूनिपेरस साइम बन जाता है वो होता है वर्टी सिलस्टर तो वर्टिस क्या है एक तरीके की स्पेशल इन्फ्लोरसेंस है जिसमें ईच नोड हैज टू ऑपोजिट डाइकेसियल साइन और इन डाइकेसियल साइंस की फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है इन टू मोनोकेसियल साइन और ये ट्रांसफॉर्मेशन का वेन फ्लावर्स इंक्रीज जब फ्लावर्स का नंबर इंक्रीज होता है तो डाइकेसियल यानी कि बाई साइन कन्वर्ट हो जाती है इंटू मोनोकेसियल साइन और इस तरीके की इनफ्लोरेसेंस हम किस प्लांट में ऑब्जर्व करते हैं वी ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ इनफ्लोरेसेंस इन ऑसिम तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन वन विच से लास्टर बाकी के ऑप्शन क्यों रॉन्ग है अब देखते हैं ऑप्शन टू इज पैनिकल ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज पैनिकल एक रेसिमोस टाइप की फ्लोरेसेंस होती है जिसमें मेन एक्सेस पर ही फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं ऑप्शन थ्री हाइपेंथोडियम भी रॉन्ग होगा बिकॉज हाइपेंथोडियम इज अ फ्लैशी रिसेप्टिकल जिसमें टॉप पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है एंड फ्लावर्स होते हैं ऑन द इनर वॉल साइड एंड ऑप्शन फोर साइथियम भी रॉन्ग होगा बिकॉज साइथियम एक कप शेप्ड इन वोल्यूकर ब्रैक्ट वाली इनफ्लोरसेंस होती है जिसमें नेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं अलोंग द रिम सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन वन यानी कि वर्ट इज अस्टर आई होप यू अंडरस्टुड इट ऑल द बेस्ट थैंक यू